हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने घर में। मैं आपको आज अपने घर का टूर कराने वाली हूँ, तो जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो ये देखिए, ये है हमारे घर की एंट्री। मैंने एंटर कर लिया है और एंटर करने के बाद कुछ ऐसा सा व्यू आता है। एंटर करने के बाद राइट साइड में आपको दिखेगा द हार्ट ऑफ माई होम, विच इज लाइक किचन, जो आप बहुत सारे वीडियोज में, ऑलमोस्ट हर ब्लॉग में देखते हैं। इसका डिटेल टूर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका वीडियो लिंक तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे मैं ब्रीफली आपको अभी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरी यू शेप्ड किचन विद ब्यूटिफुल स्टील अप्लाइंसेस। ये सारे अप्लाइंसेस हमें अपार्टमेंट की तरफ से ही प्रोवाइडेड हैं। माइक्रोवेव, ओवन, गैस स्टोव, बड़ी सी फ्रिज है और इसके अंदर डिशवॉशर भी है। एंड इसका ग्रेनाइट टॉप जो है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, ब्लैक कलर का, जो पूरी किचन में एक अच्छी सी जान डालता है। मैंने काउंटर पे मिनिमल चीज़ें रखी हुई हैं और इस तरीके से मैंने इसे डेकोरेट किया हुआ है, थोड़ा सा इंडियन टच दिया हुआ है अपने किचन को। एंड मुझे इस तरीके से बहुत सुंदर लगती है अपनी किचन। एंट्री पॉइंट पे ही मैंने लगाया ये आई कैचर, जिससे कोई भी ईविल आइज मेरे घर पे ना पड़े। हमारे इंडियन कल्चर में इसे बहुत शुभ माना जाता है, एंट्री पे लगाते हैं, जिससे कि सारी बैड थॉट्स हम बाहर छोड़ के गुड थॉट्स के साथ घर में एंटर करें। तो ये हमारे एंट्री पॉइंट पे लगा हुआ है और एंट्री के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे वॉल में एक बनी हुई है बड़ी सी क्लॉजेट। तो यूएस में हम लोगों को एंट्री पे इस तरीके की एक क्लॉजेट दी जाती है, बिकॉज बेसिकली हम इसे कोट क्लॉजेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी विंटर एसेंशियल्स होते हैं, जो हमें घर के बाहर पहन के जाने होते हैं, जैसे मोटी मोटी जैकेट्स हैं, ग्लव्स हैं, कैप्स हैं, वो सब मैं यहाँ पर रखती हूँ। और मेरा शू रैक भी यहीं पे रखा हुआ है, और जो थोड़े बहुत घर के मिसलिनियस आइटम्स होते हैं ना, वो सब मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज करती हूँ। बेसिकली ये क्लॉजेट ऐसी है कि घर के बाहर जाने का जो सामान होता है, हमारा वॉलेट, पर्स, कीज, वो सब मैं यहाँ पर रखती हूँ विद कोट्स एंड वॉर्म क्लोथ्स, जो हमें बाहर पहन के जाने होते हैं, और घर के अंदर एंटर करते ही हमें उसे रिमूव करना रहता है। तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखी है और बहुत अच्छी सी बड़ी सी क्लॉजेट है ये। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे एंट्री पे मैंने रखा है ओटोमन, जहाँ पे बैठ के हम आराम से अपने शूज वगैरह पहन सकते हैं। और एंट्री पे ही मैंने लगाए हैं गणपति जी, क्योंकि गणपति जी शुभ आरंभ करने के लिए हर काम में बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए मैंने एंट्री पे लगा रखे हैं। और ये मैंने खुद से बनाए थे लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्मोस्टैट, तो टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं हम पूरे घर का, क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पर। अपने लिविंग रूम में मैंने कुछ हैंडमेड पेंटिंग्स लगाई हुई है। मेरे लिविंग रूम में ओपन स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी, बिकॉज मेरा एक 3 साल का बेटा है जो पूरा दिन यहाँ पर खेलता है, तो उसे थोड़ा सा खेलने का अच्छे से स्पेस मिले, इसलिए मैंने यहाँ पे बस मिनिमम चीज़ें रखी हैं। और उसके मेजर टॉयज़ रखे हुए हैं यहाँ पे बड़े बड़े, जैसे कि उसका ड्राॅइंग बोर्ड, उसका लीगो सेट, और उसके साइड में है हमारा सोफ़ा कम बेड। ये ट्विन साइज़ का सोफ़ा है, विच इज़ वेरी वेरी कम्फर्टेबल। एंड सामने है छोटी सी कॉफ़ी टेबल, जिसे मैंने बिल्कुल खाली छोड़ा है, बिकॉज हमारे घर में इसे यूज़ किया जाता है आराम से पैर ऊपर रख के बैठने के लिए। और सोफ़ा के ऊपर आप देखेंगे हमारी कुछ फैमिली पिक्चर्स लगी हुई हैं। ये रेंटल फ्रेंडली पिक्चर्स हैं जो हमने वॉल पे चिपकाई हुई हैं, और अगर आप कहीं मूव भी करते हैं तो इसको आराम से ले जाके कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं, विच आई लाइक द मोस्ट अबाउट दीज पिक्चर्स। और आगे चलेंगे तो आपको दिखाई देगा मेरा बेस्ट पार्ट ऑफ द हाउस, जो है मेरा छोटा सा मंदिर। ये मेरे घर का बेस्ट कॉर्नर है, जहाँ पर बैठ के मुझे बहुत सुकून मिलता है, मैं भगवान से कनेक्ट करती हूँ और मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। और मंदिर के आगे आप देखेंगे तो हमने बनाया हुआ है छोटा सा अपना ग्रीन कॉर्नर, बिकॉज मैं शिकागो में रहती हूँ, जहाँ पे 6 मंथ्स स्नो बाहर दिखाई देती है, वाइट दिखाई देता है, तो आँखों को थोड़ा सा ग्रीनरी दिखाने के लिए मैंने कुछ घर में प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये इंडोर प्लांट्स हैं। ये कॉर्नर भी मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देता है, जब बाहर की स्नो आप देखते हैं और घर के अंदर ग्रीनरी देखते हैं तो आपकी आइज़ को बहुत अच्छा फील होता है, एंड इट वर्क्स एज अ थेरेपी। तो ये देखिए, ये है कॉर्नर मेरे घर का, जो कि बहुत सुंदर है।
यहाँ पे आती है एक बहुत बड़ी सी स्लाइडर विंडो जिसे हमने अभी फिलहाल सील किया हुआ है बिकॉज बहुत ठंड है तो यहाँ से बहुत सारी हवा आती थी। तो समर टाइम में बाहर बैठ के शाम की चाय या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंजॉय करना बहुत पसंद है मुझे, बट अभी विंटर्स हैं तो पूरा पैटियो क्लीन करके हमने बंद कर रखा है। एंड यस, आप बाहर देख सकते हैं स्नो है बहुत सारी। आगे देखेंगे तो गोविंद का एक और टॉय आपको दिखेगा, वो है पार्किंग गैराज, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ऑलमोस्ट पूरा दिन वो इसी के साथ खेलता है। और मेरे लिविंग रूम में है ये बुक शेल्फ जो एक बहुत ब्यूटीफुल सा एस्थेटिक वैल्यू ऐड करता है पूरे लिविंग रूम को। एंड मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको डेकोरेट किया हुआ है, ऊपर कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स लगाए हुए हैं जो हमारी फैमिली हमको सेंड करती रहती है। एंड आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे डेकोरेट किया है कुछ गोविंद के टॉयज़ एंड ऑल से। और उसके साइड में है ये लैम्प एंड ये है हमारी टीवी यूनिट। अगेन मैंने इसे बहुत ही क्लीन एंड सिंपल रखा है, नीचे है स्पीकर एंड ऊपर है ये टीवी एंड टीवी में आप मेरे रिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं। मेरे लिविंग रूम का ये कॉर्नर मैं अब आपको दिखाती हूँ जहाँ पे हमने अपनी डाइनिंग टेबल रखी हुई है। ये किचन से एकदम एडजेसेंट है तो ये मुझे बिल्कुल कन्वीनियंट प्लेस लगता है अपने डाइनिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करने का। एंड डाइनिंग टेबल भी मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, जस्ट कुछ बेसिक एसेंशियल्स रखे हैं डाइनिंग टेबल पे, एक फ्लावर वास। एंड वॉल पे मैंने ये पेंटिंग लगाई हुई है, अगेन ये हैंडमेड पेंटिंग है बाय मी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड ये सिंपल चीज़ों से ही ना मैंने अपने घर को डेकोरेट किया है एंड कोशिश की है कि मैं इसको थोड़ा सा इंडियन टच दे पाऊँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरे लिविंग रूम को देख के आपको इंडियन फील आई या नहीं आई। तो चलिए अब लिविंग रूम आपने देख लिया है, अब लिविंग रूम से हम अंदर की तरफ चलते हैं बेडरूम की तरफ। एंड जैसे हम अंदर जाते हैं यहाँ पे भी आपको एक क्लॉजेट दिखेगी, इसे लिनन क्लॉजेट बोलते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंट शेल्फ लगे हुए हैं तो ये मेरा काइंड ऑफ मल्टीपर्पस क्लॉजेट है जहाँ पे आपको मेरे किचन के बर्तनों से लेके मेरे यूट्यूब के इक्विपमेंट्स एंड लॉन्ड्री का सामान भी दिख जाएगा। ये डोर है बाथरूम का, ये डोर है गोविंद के रूम का और ये डोर है मास्टर बेडरूम का जिसे मैं अब आपको एक एक करके दिखाती हूँ। और ये है कॉमन बाथरूम घर का जो कि हर रूम से एक्सेसिबल है तो हर कोई इस बाथरूम को यूज कर सकता है, कभी कोई गेस्ट वगैरह आता है तो बेसिकली यही वाला बाथरूम जो है वो कॉमनली हमारे घर में यूज होता है। आइए अब मैं आपको लेके चलती हूँ गोविंद के रूम में। तो ये देखिए ये है गोविंद का रूम। इस रूम में भी एंटर करते ही एक बहुत बड़ी सी पूरी वॉल की क्लॉजेट है जो हम तीनों ही यूज करते हैं, लाइक मी माय हस्बैंड एंड गोविंद। और इस रूम में मैंने अपने आयरन टेबल और ट्राईपॉड वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, बेसिकली ये मेरे बेटे का प्ले रूम है तो उसके सारे जो छोटे मोटे टॉयज हैं जो वो कम खेलता है उसको मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रखा है। और बेसिकली मैं टॉय रोटेशन करती रहती हूँ तो जो टॉय कम खेला जाता है वो अंदर आ जाता है, जो ज़्यादा खेला जाता है उसको हम बाहर लिविंग रूम में ले जाते हैं। उसका ये सिंगल बेड मैंने लगा रखा है और उसका फेवरेट विनी द पू बैठा हुआ है वहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंप्यूटर टेबल लगाई हुई है तो बेसिकली ये छोटा सा हमारा वर्किंग एरिया भी है। और इस रूम में भी आप देखेंगे तो मैंने बहुत ही मिनिमम सी डेकोरेशन कर रखी है, कुछ फोटोज़ लगा रखी हैं गोविंद की एक वॉल पर और एक वॉल पे उसके क्राफ्ट लगा रखे हैं जो वो अपने स्कूल से लाइब्रेरी से बना कर लाता है, तो पूरी फील आती है कि ये बेबी रूम है। तो चलिए अब गोविंद के रूम से मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे मास्टर बेडरूम में। तो ये देखिए ये है 360 व्यू हमारे मास्टर बेडरूम का। तो यहाँ पर है मेरा ड्रेसर एंड लड़कियों का ये फेवरेट स्पॉट होता है बिकॉज हमें यहाँ पर खड़े रह के शीशे में अपने आप को देखना सजना संवरना बहुत पसंद होता है। तो यस, ये भी बहुत प्यारा स्पेस है मेरे घर का जो मुझे बहुत पसंद है। और ये है अगेन विंडो जहाँ से आप मेरे ब्लॉग्स में बहुत सारी बाहर की व्यू देखते हैं। और यहाँ पे है ये लैम्प जिसमें अगेन कुछ मिनिमम सी डेकोरेशंस रखी हैं, एयर प्यूरीफायर है। और ये इस रूम में भी एक बहुत बड़ी सी अलमीरा है जो हम तीनों ही मिलके यूज़ करते हैं, इसमें ऑफ सीजन क्लोथ्स और हमारे कुछ न्यू क्लोथ्स रहते हैं। और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं अगेन मैंने खुद से बनाई है, हैंड पेंटेड है। और ये है हमारा किंग साइज बेड। इस रूम के साथ में भी एक अटैच बाथरूम है जो कि सेम ही है पहले वाले बाथरूम की तरह। तो ये देखिए ये भी बाथरूम है जिसमें बाथ टब वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं इस रूम का।
एंड इस बाथरूम के डोर के पीछे मैंने अपना शू ऑर्गेनाइजर लगाया हुआ है, जहाँ पे मेरे ऑफ सीजन के शूज, मेरे हस्बैंड के, गोविंद के, सबके शूज रहते हैं। और दोनों ही बाथरूम में अंडर द सिंक कैबिनेट्स हैं, जिसे आप एज अ स्टोरेज यूज कर सकते हैं फॉर टॉयलेटरीज, फॉर टिश्यू पेपर्स। एंड बाथरूम में ही एक ये छोटी सी वैनिटी भी है। तो ये सो फ्रेंड्स, ये है मेरा छोटा सा इंडियन घर यूएसए में। मैंने कोशिश की है कि अपने घर में इंडियन कल्चर, इंडियन वाइब को जिंदा रखूं, तो मैंने बहुत मेहनत से इस घर को डेकोरेट किया है खुद ही से। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको मेरा हाउस टूर देख के इंडियन कल्चर, इंडियन वाइब मिली है तो, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने कल्चर को जिंदा रखूं, उसको पास ऑन करूं अपने बच्चे को। तो मैंने अपने घर को बहुत अच्छे से पर्सनलाइज टच दिया है। और कहा जाता है ना, किसी भी मकान को या अपार्टमेंट को आप घर तभी बना सकते हैं जब आप वहाँ पे अफेक्शनेट फील करें, सारे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे खुशी से रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, चाहे वो घर एक कमरे का घर हो, चाहे वो दो कमरे का, चाहे बहुत बड़ा विला हो। वो घर तभी कहलाता है जब उसके सारे मेम्बर्स बहुत खुशी से रहते हैं। तो यस, ये हमारा प्यारा सा घर है। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इट विल रियली रियली मोटिवेट मी टू ब्रिंग मोर एंड मोर कॉन्टेंट ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने और भी बहुत सारे हाउस टूर्स किए हुए हैं, लाइक माई ससुराल हाउस टूर जो कि इंडिया में है, लखनऊ में। और हम लोग इससे पहले एरिजोना में थे, वहाँ पे भी मेरा घर था जो मैंने आपको शेयर किया था यूट्यूब पे। तो उन सब की वीडियो लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में, एक प्यारे से एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू गाइज नो दैट आई लव यू अ लॉट। बाय बाय।